दोस्तों, आज मैं खास मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। कुछ सब्सक्राइबर ने सवाल किया है कि जो पैतृक संपत्ति है, जो बाप दादा की संपत्ति है, जो खानदानी संपत्ति है, जो पूर्वजों की संपत्ति है और वो दादा के नाम पे है, और मेरे पिताजी दो भाई थे या तीन भाई थे, जो भी थे, उसमें से कुछ ज़मीन उन लोगों ने बेच दी है, तो उसमें से जो बेच दी है उन्होंने, तो उसका रिकवरी कैसे किया जाए, या फिर जो ज़मीन मेरे चाचा ने बेच दी है या बड़े भाई ने बेच दी है, तो उसके बदले उससे ज़मीन लिया जाए, या फिर ज़मीन उसे कम दिया जाए, या फिर उसका हिस्सा ना दिया जाए, या फिर उन्होंने बेच भी दिया है और दूसरे ज़मीन पर दावा भी कर रहे हैं, तो क्या किया जाए इस स्थिति में कि हमको बराबर हिस्सा मिले, हमें पूरे बराबर हिस्सा मिले। इसी सारे मुद्दे पर मैं बात करूँगा। आप पूरा वीडियो देखिए, पूरी बातें समझ में आएगी। ये सारा मुद्दा बताऊंगा, पैतृक संपत्ति के बारे में बताऊंगा, कौन उसे बेच सकता है, या फिर एक भाई ने बेच दिया ज़मीन तो किस परिस्थिति में बेचा, अगर बेच दिया तो फिर उसका क्या किया जा सकता है, ये सारी जानकारी दूंगा। जो सवाल है सारे समस्या का हल करूंगा। आप पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके मन में फिर से कोई प्रश्न होगा, कोई सवाल होगा, कोई ऐसा सवाल होगा जो इस वीडियो में हल नहीं हो पाया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं पूरी जवाब उसका दूंगा। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो इसी तरीके से वीडियो बना के अपलोड जरूर करूंगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो पैतृक संपत्ति है, जो बाप दादा की संपत्ति है, तो उसमें होता क्या है कि सभी का हिस्सा होता है, यहाँ तक कि जिसके दादा के नाम से प्रॉपर्टी है तो उसका पोता का डायरेक्ट हिस्सा होता है, उसका पिता भी उसका हिस्सा निकाले नहीं बेच सकता है, जब तक कि अपने भाई का हिस्सा नहीं निकाल दे, अपने बेटे का हिस्सा नहीं निकाल दे, वो सबका हिस्सेदारी हो जाता है, बिना परमिशन का वो ज़मीन नहीं बेच सकते। लेकिन अगर आपके पिताजी ने, आपके चाचा ने, आपके दादा के संपत्ति, दादा के नाम के संपत्ति को बेच दिया है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जो ज़मीन बचा हुआ है उसमें से हमें बराबर हिस्सेदारी चाहिए, तो पहले आपको ये देखना है कि किस परिस्थिति में उन्होंने बेचा। पहले इस चीज़ पर गौर करना है आपको, किस परिस्थिति में बेचा। अगर आपके चाचा ने, आपके पिता और चाचा का हिस्सा होना था उसमें बराबर, लेकिन आपके चाचा ने ज़मीन बेच दिया है, बड़े चाचा ने, छोटे चाचा ने, या फिर कोई, आपके पिताजी ने ही क्यों ना बेच दिया, तो वहाँ पे ये देखना है कि अगर वो ज़मीन, वो प्रॉपर्टी को अगर लड़की की शादी के लिए बेचा गया हो, मतलब कि आपके दादा के लड़की के शादी के लिए, मतलब आपके पिताजी या चाचा जी अपने बहन के शादी के लिए बेचा हो, उसके एजुकेशन के लिए बेचा हो, या फिर आपके दादाजी के बीमारी में बेचा गया हो, या फिर घर के किसी सदस्य के यानी उनकी माँ के बीमारी में बेचा गया हो प्रॉपर्टी, तो जब ज़मीन रजिस्ट्री होता है, जब बेचा जाता है, तो उस डीड में, उसके वाला में इस चीज़ का मेंशन होता है, वहाँ पे लिखा जाता है कि किस लिए आप ज़मीन बेच रहे हैं। कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदते होंगे या बेचते होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें क्लियर लिखा जाता है, उसमें मेंशन किया जाता है कि क्यों बेच रहे हैं आप ज़मीन, कारण भी लिखा जाता है। तो उसमें अगर उन्होंने इस कारण से बेचा है कि उन्होंने घर में किसी लड़की का शादी किया है, या किसी के एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए खर्च किया है, या घर में कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उसके बीमारी में अगर उस प्रॉपर्टी को बेचा गया है, तो फिर उस व्यक्ति का, आपके चाचा का, आपके पिता का, या फिर जिन्होंने बेचा उस संयुक्त संपत्ति में, उस पैतृक संपत्ति में उन्होंने जो बेचा, तो बेच के जो ज़मीन बचा, बाकी जो ज़मीन बचा उसमें से फिर सबका बराबर हिस्सेदारी होगा, बेचा हुआ ज़मीन का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। वो इसलिए कि उन्होंने अपने काम के लिए, पर्सनल काम के लिए नहीं बेचा, लेकिन बिना बंटवारा किए अगर उन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया, बिना बंटवारा किए, अगर ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई भी कारण नहीं है जो मैंने कारण आपको बताया, बिना कारण को उन्होंने बेचा, अपने काम के लिए बेचा या अपने पर्सनल कोई वर्क के लिए बेचा, तो फिर उस परिस्थिति में आप जो बचा हुआ ज़मीन है उसमें से उसे हिस्सेदारी काट सकते हैं, मतलब जितना ज़मीन उन्होंने बेच दिया उतना हिस्सेदारी उनका काट सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर वो दावा कर रहे हैं कि मुझे बराबर हिस्सेदारी चाहिए, वो अपने हिस्सेदारी बेचने के बाद भी दावा कर रहे हैं कि मुझे बराबर हिस्सेदारी चाहिए, तो फिर इसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं, इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, और जो ज़मीन उन्होंने बेचा उसका नकल आप रजिस्ट्री ऑफिस से निकलवा सकते हैं, नकल निकल जाता है बहुत ही आसानी से, तो वहाँ से नकल निकलवा के उसके आधार पर आप उन पर कार्रवाई कर सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। अपने काम के लिए वो ज़मीन बेच दिए हैं, लेकिन फिर भी आपके ज़मीन पर दावा करते हैं, आपके हिस्सेदारी पर दावा करते हैं, दबंगई करते हैं, ज़बरदस्ती हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं, तो आप फिर उस नकल के आधार पर उन पर कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं और उनको बेदखल कर सकते हैं, मतलब कि वो उन्होंने जितना प्रॉपर्टी बेचा है, बिक्री किया है, उतने प्रॉपर्टी का हिस्सेदारी काट के बाकी हिस्सा उनको दे सकते हैं। अगर उन्होंने अपना हिस्सा पूरा बेच दिया है तो फिर उनको बेदखल के लिए आप कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना हिस्सा ले लिया।
लेकिन मैंने जो आपको बताया कि अगर इस तरह की परिस्थिति में अगर बेचा है, उन्होंने केवाला में ये मेंशन कर दिया है, रजिस्ट्री डीड में मेंशन कर दिया है, बैनामा में मेंशन कर दिया है, अगर उसमें ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि लड़की की शादी में बेचा गया है, मतलब कि आपके दादा के लड़की की शादी में बेचा गया है, उसको हायर एजुकेशन के लिए बेचा गया है, या फिर आपके दादा के बीमारी के लिए बेचा गया है, आपकी दादी की बीमारी के लिए बेचा गया है, इस तरह की परिस्थिति में अगर बेचा गया है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो केस भी आप करेंगे तो केस कोई मायने नहीं रखेगा, आप 20 साल 30 साल केस लड़ेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कोई खास जजमेंट आने वाला है नहीं, ये सिर्फ लीपापोती होगा, आप परेशान भी होंगे और इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, लास्ट में आपको उन्हें हिस्सेदारी देना ही पड़ेगा। तो इस तरह की परिस्थिति में आपको दावा करने से, केस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप इंसानियत को भी देखें और उसी आधार पर देख लें कि किस परिस्थिति में उन्होंने ज़मीन बेचा, ये भी देखना है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी आ जाती है, बंटवारा नहीं होता है, दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, उनके दिमाग में ये आता है कि मेरे चाचा ने तो ज़मीन बेच लिया था, या फिर मेरे बड़े चाचा ने ज़मीन बेच लिया था, मेरे छोटे चाचा ने ज़मीन बेच लिया था, या फिर घर के किसी सदस्य ने बेच लिया था। वहाँ पर देखा जाता है किस परिस्थिति में बेचा गया, ये भी देखना है, सिर्फ ये नहीं देखना है कि उन्होंने बेच लिया था, तो वहाँ पर देखना है किस परिस्थिति में बेचा था, या फिर आपके पिताजी ही पैतृक संपत्ति को बेच रहे हैं, तो फिर आप उस परिस्थिति में रोक सकते हैं उसे, जब वो बगैर किसी काम का बेच रहे हैं, किसी बात का बेच रहे हैं, बेवजह बेच रहे हैं। लेकिन आपके पिताजी अगर पैतृक संपत्ति को भी, पैतृक संपत्ति है अगर उसको भी आपके पिताजी अगर अपने लड़की के शादी में बेच रहे हैं, या फिर अपने बीमारी में बेच रहे हैं, आपके माँ के बीमारी में बेच रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आप उसे नहीं रोक सकते, क्योंकि पैतृक संपत्ति में दादा के बाद आपके पिता का हक है, भले ही आपका भी डायरेक्ट हिस्सेदारी है, लेकिन जब तक आपके पिताजी जीवित है तो वो अपने हिस्सा का ज़मीन या फिर किसी भी प्रकार का ज़मीन वो अपने ज़रूरत पर बेच सकते हैं, आप डायरेक्ट दावा उस पर नहीं कर सकते। हाँ, अगर बंटवारा हो गया हुआ है, सबका अलग अलग हिस्सेदारी हो गया है, अलग अलग नामों से जमाबंदी हो गया हुआ है, अलग अलग रसीद कट रहा है, उस परिस्थिति में दूसरे का हिस्सेदारी नहीं बेच सकता है, मतलब आपके चाचा का ज़मीन आपके पिताजी नहीं बेच सकते, आपके पिताजी का ज़मीन आपके दादाजी नहीं बेच सकते, या फिर आप अपने पिताजी के हिस्से नहीं बेच सकते हैं, आपका हिस्सा आपका पिताजी नहीं बेच सकता है। तो इस तरह का अगर बंटवारा हो गया हुआ है, जमाबंदी अलग अलग हो गया हुआ है, ज़मीन क्लियर हो गया हुआ है, तो उस परिस्थिति में अगर हमारा ज़रूरत है या फिर आपका ज़रूरत है, जिसका ज़रूरत है वो अपना हिस्सेदारी का ज़मीन बेचेगा, उसमें से ज़्यादा ज़मीन नहीं बेच सकता है। लेकिन अगर बंटवारा नहीं हो चुका है, तो अगर दादा की तबीयत ख़राब है, दादा का हालात ठीक नहीं है, तो उनके लिए कितना भी बिना हिस्सेदारी के जितना ज़रूरत है उतना प्रॉपर्टी बेचा जा सकता है, उतना ज़मीन बेचा जा सकता है, या फिर आपके पिताजी की बहन की शादी है उसमें बेचा जा सकता है, उसके हायर एजुकेशन के लिए या फिर अपने हायर एजुकेशन के लिए बेचा जा सकता है। इस परिस्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे परिस्थिति में भी केस कर देते हैं और 20-20 साल 30-30 साल 25-25 साल केस लड़ते रहते हैं, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है, उन्हें लगता है ये कि इंसाफ नहीं मिल रहा है, कोर्ट से कोई जजमेंट नहीं आ रहा है। लेकिन इस हालात में मैं आपको क्लियर शब्दों में बता रहा हूँ कि अगर ऐसी हालात है तो आपको कभी भी क्लियर जजमेंट नहीं आएगा, लीपापोती ही होता रहेगा, आपका केस सालों दर साल चलता रहेगा, इसका कोई खास निष्कर्ष नहीं निकलेगा, आपका आर्थिक क्षति भी होगा, मानसिक क्षति भी होगा और कोई आपको लाभ होने वाला नहीं है। तो आप ये सब देख लें। कई लोगों ने पैतृक संपत्ति के बारे में सवाल पूछा है और उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या है तो आप समझ लें, देख लें, जो मैंने बताया वही सही है, इस आधार पर आप ज़्यादा कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाएं, कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। लेकिन मैंने जो बताया कि किस परिस्थिति में किया जा सकता है तो वो भी आप देख लें, अगर उस परिस्थिति में करते हैं तो फिर आप अपनी जगह सही है, फिर उसका निष्कर्ष कुछ ना कुछ निकलेगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, कुछ और नॉलेज चाहिए, हो सकता है बहुत सारा चीज़ छूट गया हो जो मैं नहीं बता पाया हूँ, तो आप सवाल करें कमेंट बॉक्स में, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। अगर जवाब नहीं दे पाया किसी परिस्थिति में तो मैं उस टॉपिक पर बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, आपका जो सवाल होगा हो सकता है उसी टॉपिक पर अगला वीडियो हो। शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।